टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति ते अज असी ईडी ऑफिस से खड़े हैं, ईडी ऑफिस जलंधर, जिथे अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेटे रणिंदर सिंह की पेशी सीगी। ईडी वालों समन भेजे गए थे जिहड़ी उन्हां दी विदेशां दे विच ब्लैक मनी का नाम दे के जिहड़ी उन्होंने मनी कर रहे थे एक्सचेंज, उहदे उन्होंने फेमा की उलंघना की है। फोरन एक्सचेंज मनी एक्ट के उलंघना करन दे बाबत उन्होंने ईडी वालों समन भेजे गए थे। 2016 जून में भी उन्होंने समन भेजे गए थे, जिथे उन्होंने एक बीमारी का वायरल बुखार का हवाला दिता सीगा, ते जिहदे करके इत्थे पेश जलंधर नहीं होए सीगे। ते दूसरी बार जदों उन्होंने 14 जुलाई 2016 दे विच समन गए सी, ते उदों उन्होंने क्योंकि वो राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के प्रधान ने, जिहदे करके उन्होंने डी ओलंपिक का हवाला दे दिता सी, ते जिहदे करके वो फिर नहीं आए सीगे। उस तो बाद जदों 21 जुलाई 2016 नूं इत्थे आए सीगे, ते उदों उन्होंने नाल पुछ पड़ताल जिहड़ी काफ़ी देर तक लंबी चली सी, 4 तो 5 घंटे लगातार चली सी। उन्होंने नाल बहुत सारे विधायक सीगे, उन्होंने नाल कपूरथला तो विधायक राणा गुरजीत सिंह सीगे, बेरी साहब सीगे, जलंधर तो होर भी बहुत सारे विधायक जिहड़े उस वक्त उन्होंने नाल ईडी ऑफिस आए सीगे। ईडी ऑफिस उन्होंने नाल पुछ पड़ताल की गई सी, जिथे रणिंदर सिंह ने कहा सीगा कि वह इस जिहड़े उन्होंने समन भेजे जा रहे हैं बार बार ईडी वालों, तो उहदे दौरान वो जिहड़ी उन्होंने नाल पुख्ता पुछ पड़ताल जिहड़ी उहदे विच कोऑपरेट करनगे। पर अज फिर मैं पहला भी कहा सीगा लाइव दे विच कि सूत्रां दे हवाले तो जानकारी मिली सी, पर हुण उहदा वकील दी जिहड़ी एक बाइट उह भी आ गई होई है, वर्जन आ गया होया कि वह राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के प्रधान होने के नाते 2021 ओलंपिक की जिहड़ी अज मीटिंग सी जिहदे करके वो इत्थे नहीं पहुँच सके, तो उन्होंने टाइमिंग लै ली है। सो उस तो बाद उन्हां दी काफ़ी देर इंतजार चल रहा सीगा कि ईडी ऑफिस जलंधर आ जाण उन्हां दी पेशी, उन्होंने समन भेजे गए थे, पर आम आदमी पार्टी वालों उसका विरोध किया गया कि जिहड़ी कैप्टन सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो 420 सरकार है, इस सरकार घुटालियां ते घुटाले कर रही है। होर की कारण ने कि आम आदमी पार्टी अज ईडी ऑफिस जलंधर के सामने अज जो प्रोटेस्ट उन्हों का चल रहा है, वह पूछने की असी कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर साढ़े नाल ने, उन्होंने नाल असी जी गलबात है वह करते हैं। की कारण है कि अज रणिंदर दी इत्थे पेशी सीगी, समन भेजे गए सी तो अज आए नहीं, तो आम आदमी पार्टी का रोस किस कारण? आम आदमी पार्टी का रोस वो हर एक चीज़ के कारण आ जिहड़ी लोगों के विरोधी होंदी आ जी। ये लोग जिहड़े अकाली दल ला लो, बीजेपी ला लो, कांग्रेस ला लो जी, इन्होंने हमेशा लोगों नूं कुटिया ते लुटिया, भावें सैंड की गल हो जाए, भावें किसानों के धरने, बीजेपी ने देखो कितना बुरा हाल करता जी। इन्होंने ये आम लोगों जनता जनता बिल्कुल नहीं समझते जी, ते बुरा हाल सिस्टम दा इन्होंने करके रखिया, लुट के सारा पैसा पंजाब चों इन्होंने बाहरले स्विट्जरलैंड के अकाउंटां दे विच पा रहे हैं जी। पर की लगता है कि इस बार फिर जो 2016 की असं गल करते हैं तो उदो उन्होंने समन भेजे गए थे, एक बीमारी का वायरल बुखार का हवाला देंगे ने, उस तो बाद ओलंपिक का हवाला देंगे ने, इस बार फिर उन्होंने ये गल सामने आई है कि वो राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के प्रधान ने, जिदे करके 2021 ओलंपिक खेडों के कारण उन्होंने अज मीटिंग सी, तो जिदे करके वो नहीं पहुँच सके। की लगता है कि यह एडजस्ट होंदा है कारण, ज कोई होर कारण हो सकता, ज वाकई यह कारण से बहाने भैन जी? सारे बहाने ने, टोटली बहाने ने, हुण भी बनाए ये लोगों ने, अगे भी इन्होंने ठोके बहाने बनाने। हाँ जी, पर वकील वालों ये कहा गया कि जिहड़े समन आए ने उहदे विच कुछ इस तरह का नहीं है, तो उन्होंने हवाला दे दिता है ओलंपिक का, उहदा की कारण? देखो गल इदां जी, इन्हां ये राजेशाही लोग ने जी, ये अफसरां नूं आप दे घरे बुलाउंदे आ। डी यू थिंक सो कि ये लोग इत्थे आउणगे? किसी माड़े बंदे, गरीब बंदे नूं, मेरे अर्गे नूं, बेचारे नूं कदे सामण आ जाए, सानूं तां हत्थां पैरां दी पै जांदी है कि असीं कित्थे जाणा, किधर देखणा, किहदा मूँह। इह तां कहणगे जी उत्थे आओ जी, पटियाले आओ साडे कोल, फिर भी जे टाइम नहीं लगा, अज वी साडा इह आ, तुसीं आ के साडे कोल पुछ के जाओ की पुछणा। क्योंकि उत्तराखंड के जिहड़े साबका मुख्यमंत्री ने, वो गल कह रहे हैं कि जिहड़े ईडी वालों समन भेजे जा रहे हैं, ये कितने ना कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि खराब कर रहे हैं। की लगता है इस दे विच कि कांग्रेस हुण आ गल्लां कहण लग गई है? देखो जी, ईडी वालों शुक्र आ परमात्मा का, कि अपने मुल्क दे विच भी सही ईमानदारी अफसर आए ने, वधिया काम होने लग गए हैं जी। हाँ जी, तो जो समन भेज रहे हैं, हुण जेन्युइन समन जा रहे हैं, तो उन्होंने तकलीफ हो रही है जी, जो पुरानी गलतियां कीतियां, स्विट्जरलैंड दे विच जिहड़े अकाउंट खुलाए, पैसे शिफ्ट कराए आ, वो सामने आ रहे हैं, हुण डर दे मारे की जवाब देण, जवाब ही है नहीं जी उन्हां तों जी। पर इस तो पहला जो असं करोना के दौरान दे विच जे गल करिए, तो बहुत सारी शराब की विक्री हुई सी, तो दौरान बहुत सारे कांग्रेसी विधायकों के नाम आए थे, तो उन्होंने भी समन भेजे गए थे। फिर ईवन कि ईडी वालों को पटियाले जाना पाया कि उन्होंने सारे SSPs नूं ये गल कहनी पई सी कि सानू सारी डिटेल जी दिती जाए। की कारण है कि बार बार कांग्रेस ही क्यों गटकरे च खड़ी होंदी है?
देखो जी कांग्रेस इस करके कैटेगरी च खड़ी हो रही है, इन्हों का राज है जी। इस टाइम दे विच लोकां नूं राशन नहीं सी मिलता, आपां इत्थे जदों करोना का लगा सी संकट होया सी राशन नहीं सी मिलता, पर दारू की ड्रिंक्स की होम डिलीवरी सी करे जी। तो ये रल के करा रहे सी जी। हाँ जी, वो फैक्ट्री मेन एजेंडा की सी अज इत्थे विरोध करा? विरोध यही है जी, धक्का हर चीज़ दे विच धक्का हो रहा पिया जी। तुसी देख लो किहड़े पासे धक्का नहीं हो रहा, आम इंसान की जिंदगी इन्होंने की करती। एक किसान जे तो असी अन्नदाता जिन्हों असी कहने जिहड़ा साडा मतलब सारे पंजाब का पेट पालदा आ, उन्हां नूं ये लोगों ने सड़कां ते लियाता, ये तो वध होर की बुरी हो सकती दुर्दशा। अज का मेन मुद्दा ये आ रणिंदर सिंह नूं जो कि असी अज उन्हां दा विरोध करन आए सीगे, जो पिछली वारी सरकार दे विच किसानां दा मजदूरां दा ते आम लोकां दा जो पैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाधा सी अपनी सरकार वेले, उही दोबारा चार साल बाद नवे अकाउंट फिर दोबारा स्विस बैंक विच खुले जाणगे और इन्हां दे अपने परिवारां वल्लों जां रिश्तेदारां दे वल्लों ये कीता जाएगा। रणिंदर सिंह अज इत्थे ना आण के कानून दीआं धज्जियां वी उडाउंदे दिखे आ, ये वैसे तो सानूं सारिआं नूं पता ही सीगा, मीडिया वालिआं नूं और आम जनता और आम आदमी पार्टी भी यह लगता है कि अज वह कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनी देर तक अपनी कुर्सी के उत्ते वर्जमान हैं वह कदे भी अपने पुत्र आँच नहीं आन देंगे, चाहे उन्होंने इस करके मोदी सरकार दे नाल समझौता ही क्यों ना करना पवे, कैप्टन अमरिंदर सिंह अंदरले खाते मोदी सरकार नाल समझौता जरूर करनगे। इत्थों अज क्लीयर हुंदा है 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, 420 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਆਫਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ED ਆਫਿਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ED ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ED ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ED ਨੂੰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ।